आज मैं बनाऊंगा एक बहुत ही जबरदस्त वाला गार्लिक सॉस जो हम कनाडा के अंदर या इवन यूएस के अंदर जब हम जाते हैं किसी भी मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट के ऊपर तो वहाँ जो गार्लिक डिप मिलता है ना, ये गार्लिक सॉस आज मैं वो बनाऊंगा। रेडी, लेट्स गो। आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फूड चैनल खाओ पकाओ। नो टॉक, लेट्स गो टू द रेसिपी। सो जी, मेरे पास 6 अदद गार्लिक हैं और बाय वेट ये हैं 30 ग्राम्स। ये डाला, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल रहा हूं दूध ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, वरना ड्राई ये चलेंगे नहीं। ओके, अच्छा जी, दूध और गार्लिक जो है ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब मैंने क्या किया है, ये जो इसके ऊपर ये कैप था ये निकाल दिया, कि वजह क्या है, और ये मेरे पास एक छोटी सी फनल है, ये मैंने आग दी। अब मैं ऐड करूंगा 1 कप कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो कुकिंग ऑयल है ना, इसको बहुत ही हल्के फ्लो रेट के ऊपर इसके अंदर ऐड करना है। एकदम से ऐड नहीं कर देना, और जिस वक्त आप ये कुकिंग ऑयल डालेंगे उस वक्त आपका ब्लेंडर कंटिन्यूसली ऑन हो। अच्छा, क्योंकि ब्लेंडर जो है वो इतनी ज्यादा देर तक हम नहीं चलाते हैं, और आपको लगेगी कि बहुत ज्यादा देर हो गई है तो आप इसको बंद कर दिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये नहीं डालना। टोटल ब्लेंडिंग जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 मिनट की है। अगर आप क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो आप जो है वो इसे चॉपर में भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने ये ब्लेंडर ऑन किया है, ठीक है भाई, आवाज आ रही है मेरी। इसी स्पीड के साथ जो है ना ऑयल डालना है और ब्लेंडर को चला के रखना। अच्छा भाई, 1/2 कप ऑयल जो है वो मैंने ऐड कर दिया, और अब आप ये देखो, ये देख रहे हैं ये थिकनेस, ठीक है। अभी हमें ये और थिक करना है, ओके। और इसको ब्लेंड करते हुए तकरीबन मुझे जो है वो 11 मिनट हो चुके हैं, तो अभी ये 1/2 कप ऑयल जाएगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी कही थी कि ऑयल जो है वो बहुत हल्की स्पीड से आपने ऐड करना है। अच्छा भाई, सिर्फ 1/4 कप रह गया है, और आप ये देखें यहाँ पे जरा, ठीक है, ये थिकनेस अब आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और दोबारा से कंप्लीट हो चुका है जबरदस्त वाला स्मूथ सा गार्लिक सॉस। लास्ट थिंग टू बी एडेड इज 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस। अच्छा, ये मैं आपको भी दिखाऊं कि अब आप देखें, देख रहे हैं इसको, ये हो चुका है। हाय 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 हाय, क्या स्मेल आ रही है। अच्छा, अब एक आखिरी मिक्स एंड देन जॉब डन। हाय 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 हाय। अच्छा भाई, अब देखो ये तो बन गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाया ना, ये समझ लें आप, ये बिल्कुल बेसिक है। अब इसके अंदर चेंजेस क्या क्या हो सकती है, इसके अंदर आप थोड़ा सा वो ऐड कर दें, क्या कहते हैं, चिकन पाउडर, टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा। इसमें आप ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई वो यूज कर सकते हैं, आप पेपरिका इसके अंदर यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर हर्ब्स यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर ड्राई ऑरिगैनो, ड्राई बेजिल, पार्सली, इटालियन हर्ब्स। तो बेस आपका जबरदस्त वाला तैयार। अब इसके अंदर आपने जो वैरायटी डालनी है वो आप ऐड कर दें। अच्छा, अब बहुत से लोग इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं यार ये बहुत थिक है, यहां पे जो मिलता है वो इतना ही थिक होता है, ठीक है, जो रेस्टोरेंट के अंदर गार्लिक सॉस होता है। अब इसको थिन करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा दूध ऐड कर लीजिए, और
जबरदस्त वाला सॉस बर्गर में ट्राई कीजिए, बारबेक्यू में ट्राई कीजिए, यू नेम इट। तो जनाब आज की रेसिपी इख्तिदाम पजीर, बहुत शोर वाली रेसिपी थी, बहुत ब्लेंडर चला मेरा। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत खुश रहिए, अल्लाह आपको अच्छा खाना खाने और अच्छा खाना खिलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।